Hello everyone, welcome to DCA, that is Daily Current Affairs, by me Mohit Gulia. Today is 2nd March 2018 and we are going to discuss the Hindu newspaper and also the relevant news from PIB. So guys, let's start with our first news. Pavagada Solar Park inaugurated. देखिए दोस्तों, ये सोलर पवागाड़ा एक सोलर पार्क है जिसका अभी अपनी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक, उसने अभी इसका इनोग्रेशन किया है. इट इज़ लोकेटेड इन तिरुमानी ऑफ तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. ये लोकेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, प्री के लिए भी. इसे नाम दिया गया है शक्ति सतला, मतलब ऊर्जा, जो ऊर्जा प्रोड्यूस करने वाली जगह है शक्ति सतला. इट विल बी एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी अप टू 2000 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी इसकी कैपेसिटी है जनरेट करने की. एंड इट विल बी कम्प्लीटेड इन टू फेजेज, दैट इज़ जो फर्स्ट फेज में इसका जो काम होगा वो उसके पूरा होने के बाद ये अप टू 600 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और दूसरे फेज में जो काम कंप्लीट होगा उसके बाद ये कंप्लीट 1400 यानी टोटल 2000 मेगावाट तक ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा. इट विल बी वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क होगा ये अब तक का. एंड फॉर दिस प्रोजेक्ट 13,000 एकर लैंड इज टेकन ऑन लीज फ्रॉम फार्मर्स. अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो किसान हैं उनसे ज़मीन किराए पे ली गई है, गवर्नमेंट ने ज़मीन एक्वायर नहीं की, क्योंकि एक्वायर करने में एक तो जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके चलते काफ़ी दिक्कतें आती है एक्वायरमेंट में. दूसरा, जो किसानों को एक बार जो लम्प सम मनी दी जाती है उसके चलते कहीं ना कहीं वो कुछ समय तो उनके लिए सही निकलता है, भाई उनके पास पैसा होता है, ठीक है, बट उसके ख़त्म होने के बाद उनके पास कोई इम्प्लॉयमेंट नहीं बचता. तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने यहाँ पे ज़मीन लीज पे दी है, ताकि इंस्टीड ऑफ गिविंग सम ऑफ मनी एक साथ देने के बजाय अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो उनको पर एनम 21,000 रुपये दिया करेगी पर एकर ऑफ लैंड के. अगर किसी किसान की 2 एकड़ लैंड इसमें लीज पे ली गई है तो उसको 42,000 पर एनम मिल जाएंगे. और दूसरा, इसके चलते क्या होगा कि ये नहीं कि सिर्फ भाई जब तक ये किराए पे रहेंगे जब तक इतना ही मिलेगा, नहीं, हर 2 साल में उसमें 5% का इंक्रीमेंट भी होगा, यानी एक तरह से किसानों को रेगुलर इनकम भी मिलती रहेगी और ये उनकी ज़मीन का यूज़ भी हो जाएगा और एक इको फ्रेंडली वे में हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर पाएंगे. इतने सारे जो हमारे मोटिव्स हैं वो सब हमारे एम एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे. आगे चलते हैं दोस्तों, पुतिन अनवील्स न्यू न्यूक्लियर वेपन. व्लादिमीर पुतिन, ये रशिया के ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं, अभी इन्होंने नए न्यूक्लियर वेपन का वो किया है कि इन्होंने कहा कि हमने नया न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, जो कि ही सेड द न्यू वेपन कैन हिट ऑलमोस्ट एनी पॉइंट इन द वर्ल्ड एंड नॉट बी इंटरसेप्टेड. अब इन्होंने कहा कि जो हमारा न्यू न्यूक्लियर वेपन है वो जो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हिट कर सकता है, यानी उसकी रेंज इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी कॉन्टिनेंट को हिट कर सकता है और उसको इंटरसेप्ट यानी उसको बीच में रोका नहीं जा सकता, यानी किसी जो जो एंटी मिसाइल जो मिसाइल्स होती हैं उनको वो भी उसके बीच में नहीं रोक सकती. ही सेड दैट द टेक्नोलॉजी एडवांसेस मीन दैट नाटोज बिल्ड अपॉन रशियाज बॉर्डर्स एंड द रोल आउट ऑफ ए US एंटी मिसाइल सिस्टम वुड बी रेंडर्ड यूजलेस. अब देखिए, उन्होंने ये US की तरफ निशाना साधते हुए क्या कहा है कि भाई जिन जो नेटो है, नेटो एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. तो रशिया ने कहा है कि भाई जो नेटो की कंट्री है उन्होंने जो रशियन बॉर्डर पर जो अपने एंटी मिसाइल सिस्टम लगा रखे हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो एंटी मिसाइल सिस्टम रिक्वायर्ड होता है ऐसी न्यूक्लियर वेपन मिसाइल को रोकने के लिए, रशिया ने कहा है कि ना तो नेटो के वो सिस्टम काम आएंगे और जो ना US ने जो सिस्टम लगाया ना US का वो सिस्टम अब काम आएगा, वो सब बेकार हो जाएंगे इसके चलते, उन्होंने जो अपना वेपन डेवलप किया है उसके चलते. वी विल व्यू एनी यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट रशिया और इट्स एलिज टू बी इट ऑफ स्मॉल मीडियम और एनी फोर्स एज ए न्यूक्लियर अटैक ऑन आर कंट्री एंड रिस्पॉन्स विल बी इमीडिएट. अब उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अगर कोई भी कंट्री, चाहे वो US हो, चाइना हो या कोई भी कंट्री हो, अगर वो रशिया पे या फिर उसके किसी भी अली किसी भी उसके जो फ्रेंडली कंट्री है जिससे उसके अच्छे रिलेशन उन पे न्यूक्लियर वेपन करता है, न्यूक्लियर वेपन से हमला करता है, चाहे वो किसी भी फोर्स का हो, यानी बिल्कुल छोटा हो, मीडियम साइज़ का हो, किसी भी फोर्स का वेपन अगर उनके ऊपर वो हमला करता है किसी भी वेपन से, तो रशिया विल टेक इट एज अटैक ऑन इटसेल्फ और उसका इमीडिएट रिप्लाई रशिया की तरफ से आएगा, ये उन्होंने कहा है.
देखिए दोस्तों, अब इसको थोड़े और अच्छे वे से समझते हैं। यहाँ जरा आप देखिए, ये है, ये आपका रशिया हो गया, ये चाइना, ठीक है, और ये आपको दिख रहा है छोटा सा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अब रिसेंट पास्ट में क्या हुआ था दोस्तों, कि जब नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पे अपना जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, तो नॉर्थ कोरिया ने भी ये कहा था कि इनकी जो मिसाइल है उसकी रेंज जो यहाँ पे यूएस है, इसकी रेंज यूएस तक है, ठीक है दोस्तों। अब रशिया भी यही कह रहा है कि भाई इसकी रेंज, इट्स वेपन कैन हिट ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और एनी ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो जिसके चलते दोस्तों यूएस ने कुछ दिनों पहले क्या किया था कि साउथ कोरिया में अपनी एक एंटी मिसल जिसका नाम था थर्ड मिसल, THAD, थर्ड मिसल उन्होंने यहाँ पे सिस्टम सेटअप किया था। और ये इसी के चलते किया था कि कल ना भी कोई नॉर्थ कोरिया या फिर चाइना यूएस पे कोई न्यूक्लियर वेपन, अभी नहीं 30 साल 50 साल बाद कि नहीं मसलों के चलते कोई ये वेपन फायर करते हैं, तो यहाँ साउथ कोरिया में जो इसका यूएस का जो थर्ड मिसाइल है वो इनको बीच में ही इंटरसेप्ट कर सकता है, बीच में ही ख़त्म कर सकता है। और ये कहीं ना कहीं इस ये मिसाइल कहीं ना कहीं रशिया से भी यूएस को प्रोटेक्ट करने में कारगर साबित होता, जिसके चलते रशिया ये कह रहा है कि उनका जो नया वेपन है उसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं रशिया ने इसी थर्ड मिसाइल को पॉइंट आउट करते हुए कहा है कि जो नेटो कंट्रीज़ है या यूएस है, जो उनकी जो बाउंड्रीज, जो यहाँ तक देखिए बाउंड्री एकदम पास है, जो बाउंड्री के पास में जो ये एंटी मिसाइल सिस्टम लगा रहे हैं वो भी यूजलेस हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इस सिस्टम को पॉइंट आउट करते हुए रशिया ने ये बात कही है। दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि जो रशिया और यूएस के रिलेशन हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जो रशिया है वो ईरान का एलाई है जो कि एक शिया मुस्लिम कंट्री है, यूएसए वो सऊदी अरेबिया का एलाई है जो कि एक सुन्नी मुस्लिम कंट्री है। तो जिसके चलते शिया और सुन्नी मुस्लिम वैसे ही इनकी आपस में जद्दोजहद चलती रहती है, और जब ये दोनों अपोजिट के एलाई हैं तो इनकी आपस में भी नहीं बनती है। तो दोस्तों चलते हैं आगे अगली न्यूज़ की तरफ अपने। US टू इम्पोज tariffs ऑन मेटल imports। अब देखिए US आजकल काफ़ी ये ड्यूटीज़ लगा रहा है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ काफ़ी लगा रहा है US। पिछले दिनों भी US ने, हमने देखा था कि अपने पिछले DCA में हमने स्टडी किया था कि US ने नॉर्थ कोरिया पे कुछ सैंक्शंस लगाई हैं, जिसके चलते कि वो अपनी जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ है या फिर जो उसके मिलिट्री को जो मेंटेनेंस करने में जो खर्चा आता है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसी सैंक्शंस US ने उस पर लगाई हैं। सैंक्शन किस पे लगाई थी, जो नॉर्थ कोरिया ऑयल इंपोर्ट करता है US से, उस पर उन्होंने सैंक्शन लगा दी थी, जिससे चलते वो अपना न्यूक्लियर जो वेपन है उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा और मिलिट्री का खर्चा नहीं उठा पाएगा। अब यूएस ने किस पे तारीफ लगाई है, तारीफ्स ऑन चीप स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। देखिए अब जैसा इन्होंने जो चाइना से जो चीप स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट होता है उस पर इन्होंने तारीफ लगाई है, जिसके चलते क्या होगा कि जो यूएस में जो इनका चाइना का स्टील होगा और एल्यूमिनियम होगा वो कहीं ना कहीं महंगे रेट पे अवेलेबल होगा, जैसे ये यूएसए यहाँ पे वो महंगे रेट पे अवेलेबल होगा, जिसके चलते क्या होगा कि जो यूएस की जो कंपनियाँ हैं, अब चाइना का माल हैवी रेट पे, स्टील हैवी रेट पे अवेलेबल होगा, तो कहीं ना कहीं जो यूएस में जो स्टील बनता है या यूएस में जो प्रोडक्शन होता है वो उसके सामने सस्ता पड़ जाएगा, और यूएस का जो इसके जो स्टील की जो बिक्री है वो बढ़ जाएगी। तो ये मिस्टर ट्रंप अपनी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी, तो ये उसी को लेकर ये सब कर रहे हैं। 25% तारीफ वुड बी प्लेस्ड ऑन स्टील प्रोडक्ट्स एंड 10% तारीफ ऑन एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स। ये तारीफ इतनी लगाई जाएंगी, 25% स्टील पे बढ़ा दिया जाएगा और 10% एल्यूमिनियम पे बढ़ा दिया जाएगा। देखिए दोस्तों चाइना क्या करता है कि चाइना इंडिया में भी अपना डंपिंग ऑफ स्टील करता है। डंपिंग ऑफ स्टील का मतलब क्या होता है कि भाई स्टील मान लो यहाँ पे 100 रुपये क्विंटल में अवेलेबल है तो वो इंडिया में उसको 90 रुपये क्विंटल बेचेगा। यानी कोई भी कंट्री किसी भी अपने प्रोडक्ट को अपनी जो खुद की कंट्री है उसमें जिस रेट पे अवेलेबल है अगर उससे कम रेट में दूसरे कंट्री में बेचती है तो उसको डंपिंग कहा जाता है, उसको डंपिंग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह ये इंडिया में भी डंपिंग करता है अपनी स्टील को, जिसके चलते जो इंडियन स्टील इंडस्ट्री है उनका कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो यही रीज़न यूएस ने देते हुए अब इस पे टैरिफ लगा दी कि अगर चाइना का स्टील महंगा होगा तो कहीं ना कहीं जो यूएस का स्टील है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और यूएस की कंपनियों को भी फ़ायदा होने लगेगा।
तो ये सब के चलते दोस्तों यूएस अपनी जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने नॉर्थ कोरिया में भी सैंक्शन लगा दी, चाइना में भी सैंक्शन लगा दी। दूसरा, यूएस के रिलेशंस वैसे भी चाइना के साथ अच्छे नहीं है नॉर्थ, और क्योंकि यूएस और जो नॉर्थ कोरिया है वो भी कहीं ना कहीं चाइना को सपोर्ट करता है, तो पहले इसने नॉर्थ कोरिया पे अपने सैंक्शन लगाए, अब ये यूएस पे निशाना साधा है इन्होंने। तो दोस्तों ये सब इनके बीच में चल रहा है, हम जैसे जैसे आगे चलती जाएगी न्यूज़ हम डिस्कस करते जाएंगे। चलते हैं आगे, नाविका सागर परिक्रमा। नाविका सागर इज द नेम ऑफ एक्सपीडिशन फॉर सर्कम नेविगेट द ग्लोब ऑफ INS तरिनी बाई इंडियन नेवीज वुमेन नेवल ऑफिसर। अब दोस्तों ये एक जो टीम है, एक वुमेन्स टीम है, 6 वुमेन्स की टीम है जो कि क्या करेगी, जो INSV तरिनी, ये एक 56 feet लॉन्ग जो नेवल वेसल है, इंडियन नेवल वेसल है, 56 feet लॉन्ग का है ये। इसमें इन्होंने ये क्या कर रही हैं कि इन्होंने जो 6 वुमेन क्रू है, नेवल ऑफिसर है जो 6 की, ये वुमेन है, ये 6 नेवल ऑफिसर हैं, तो ये क्या कर रही हैं, ग्लोब को सर्कमवेंट यानी ग्लोब को, ग्लोब का चक्कर लगा रही हैं। तो ये ऐसा सब क्यों किया जा रहा है, अब देखिए इसके 2 एम हैं ऐसा करने के। इट इज़ इन कॉन्सोनेंस विद नेशनल पॉलिसी टू वुमेन एम्पावरमेंट। एक तो ये कहीं ना कहीं ये शो करता है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि ये अलग अलग कंट्री को, अलग अलग कंट्री में जाएगी, वहाँ पे जो अलग अलग कंट्री में पोर्ट होगा वहाँ पे रुकेंगे, उनके लोगों से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल लेवल पे ये शो करेगा कि इंडिया जो है वो अपनी वुमेन एम्पावरमेंट को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है। वो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए भी इस पॉलिसी को, इस जो नेशनल पॉलिसी है हमारी जो वुमेन एम्पावरमेंट की, ये कहीं ना कहीं उसको बूस्ट अप करेगा इंटरनेशनल लेवल पे, उसको बूस्ट अप करेगा। और दूसरा, आल्सो एम्स टू शोकेस द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, यानी मेक इन इंडिया। अब देखिए इसमें जो ये नेवल वेसल यूज़ किया है INSV तरिनी, ये इंडियन बिल्ड है, तो इंडियन बिल्ड नेवल वेसल को इसमें यूज़ करने का मतलब यह कि हम कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया को भी प्रमोट कर रहे हैं, कि भाई जो एक तो मेक इन इंडिया के साथ साथ हम वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये इसका जो है एक ड्यूअल मोटो हमारा सर्व हो रहा है इसके चलते। तो ये इसका दोस्तों है, अभी ये कुछ दिन बाद ये आई थिंक अप्रैल में ये इनकी जो जर्नी है वो ख़त्म होगी, और ये गोवा में आके इनकी जर्नी अप्रैल में शायद ख़त्म होगी। तो जब ये न्यूज़ आएगी तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी चलते हैं आगे। यूनाइटेड नेशन स्पॉटलाइट ऑन केरलाज एनर्जी पॉजिटिव कैंप्स। अब देखिए यहाँ भी एक पॉजिटिव एनर्जी कैंप की बात आई है। एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर केरला गवर्नमेंट लोकेटेड इन स्टेट कैपिटल, स्टेट कैपिटल। देखिए एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर है ये, एक ऑटोनोमस बॉडी है यानी जो खुद वर्क करती है, अपना खुद मेंटेन करती है, मैनेजमेंट खुद देखती है, और ये केरला गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, और ये लोकेटेड है केरला गवर्नमेंट की कैपिटल में, ठीक है। अब इसमें ये हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, आज जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2017, जिसमें क्या था, टूवर्ड्स अ जीरो एमिशन एफिशिएंट एंड रिसाइलेंट बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कि इस रिपोर्ट में उन्होंने अपने उन बिल्डिंग्स का, वर्ल्ड में जो बिल्डिंग्स हैं ऐसी जो, उनका स्टडी किया है जो कि टोटली इको फ्रेंडली है, यानी जिनकी जो वॉल्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन है, और जो उनकी एफिशिएंसी है, जिस जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, वो टोटली इको फ्रेंडली है, उनमें कहीं से भी कोई भी ऐसा एमिशन नहीं होता जो इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं हार्म करे, ऐसा कोई एमिशन उनमें से नहीं होता। तो ये ऐसी बिल्डिंग्स का इन्होंने अपनी मुआयना करके अपनी रिपोर्ट ये पब्लिश की थी, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिसेंटली कौन सी अपनी रिपोर्ट ने इस चीज़ का नाम लिया था, इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट, ये एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर है, किस रिपोर्ट में इसका नाम लिया था, ठीक है दोस्तों। ये हमारे लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर रिपोर्ट आई है, तो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कंट्री का इकोलॉजिकल फ्रेंडली जो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस करने में हमारा नाम जो आगे आ रहा है, ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर हमारे लिए अच्छी बात है। हमने जो पेरिस कन्वेंशन साइन किया हुआ है वो भी इसी एक तरह से उसकी तरफ भी एक हमारा इशारा है कि हम अपने जो कन्वेंशन है उनकी तरफ अपने अच्छे काम हम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम लिस्टेड एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर एज वन ऑफ द रीसेंट अचीवमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ की टेक्नोलॉजी फॉर एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग्स। अब जो मैंने आपको बताया कि भाई ये ऐसी बिल्डिंग्स में इसका नाम आया जो एनर्जी एफिशिएंट है, यानी जो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करती हैं,
रिन्यूएबल सोर्सेज है, यानी ये इनकी छतों पे, बिल्डिंग की छत पे सोलर पैनल लगा हुआ है जिससे वो एनर्जी यूज़ करती हैं। दिन में जो लाइटनिंग का सोर्स होता है वो मेनली सनलाइट होती है, बिल्डिंग में इतनी ट्यूबलाइट्स वगैरह या बल्ब का यूज़ नहीं किया जाता। इनके जो बिल्डिंग्स में जो वॉल्स हैं, जो पार्टीशंस बने हुए हैं वो वुडन के बने होंगे। दूसरा, जो इनकी दीवारों पे जो पेंट होता है वो सब भी इको फ्रेंडली होगा और इतना वो सब नहीं होगा कि भाई जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसी कोई भी चीज़ इसमें नहीं लगी होगी कि जो इन्वायरमेंट को हार्म करके इसमें कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा ये तो इंडिया का हो गया, ये केरला गवर्नमेंट का जो है तो इंडिया का हो गया। इसके अलावा भी अदर जो प्रोजेक्ट है जो इंडिया, जो वर्ल्ड में हैं, जो इस जिनका नाम इस ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट में आया है, दोस्तों ये आप खुद पढ़ लेना। इनका नाम थोड़ा, कंट्रीज़ का नाम, कैलिफोर्निया, सहारन अफ्रीकन और पेरिस, वियतनाम और नॉर्दर्न जापान, ये सब आप देख लेना, ये याद करने वाली चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे जैसे हम अपनी न्यूज़ आती जाएगी हम उस पर अपनी पकड़ बनाते जाएंगे। जो पीछे का भी है वो भी मैं आपको कंटेस्ट देता रहूँगा और आगे किसी भी हम लिंक करते रहेंगे, और जो हम ऐसे इंटरलिंकिंग वे में, एक एनालिटिक वे में हम ऐसे न्यूज़ को डिस्कस करते रहेंगे आगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।